अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बेहद, मेरे पास आवाम के जो है डिमांड आ रही थी कि मुझसे खीरा और देसी तुरई और ये लौकी, इन तीन पे मैं वीडियो बनाऊं। तो मेरे पास असल में जगह बहुत कम थी, पूरी छत भरी हुई है, इसलिए मैं ये लगाना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि मेरे पास काफ़ी फरमाइश आई तो फिर मैं ये लेकर आया हूँ। आज इसकी मैं सीडलिंग कर रहा हूँ और इसके साथ मैं जब गया था तो ये कुछ और भी ले आया, सूरजमुखी और ये खरबूजा। वैसे तो मैं खरबूजे की सीडलिंग कर चुका हूँ, लेकिन ये मुझे और मिला, दूसरी वैरायटी है ये, तो मैं ये भी ले आया। आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले चलें सूरजमुखी से इब्तिदा करते हैं इसका। ये देखिए, ये निकाल लिया मैंने। अच्छा, ज़रा सा मैं पहले इसको ज़रा पानी दे दूँ। इनको गमलों में पानी, वरना होता यह है कि अगर पानी नहीं देते तो जब बाद में पानी देते हैं सीड्स नीचे बैठ जाते हैं उसमें, फिर वो जनरेट होने में टाइम लेते हैं। सब में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया है, ठीक है, शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सूरजमुखी के बीज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला इनको सबको, ये देखें, ये जो है इसका ये वाली साइड जो है ये नीचे जाएगी, आप जब भी लगाएं इसको नीचे करके। अच्छा, आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये रात में बना रहा हूँ, क्योंकि दिन में बहुत मसरूफियत चल रही है मेरी आजकल, इस वजह से रात की रोशनी में बना रहा हूँ मैं ये। ये सब इस तरीके से लगाते जाएं आप, और अगर चाहें तो आप वैसे भी डाल दें, वो भी निकल आते हैं, लेकिन ये ज़रा जल्दी। ये ठीक है, ये आले कुछ मैंने रोक लिए, इनको मैंने रोक लिया है। अच्छा, ये इसके ऊपर हमने थोड़ी कोको बिट लगाई, ये हटा, ये ले आए हम नीचे, और अब इसको सिंपल पानी दे दिया। ये जी बस ये हो गया, अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ। देसी तोरी, ठीक है जी, देखें इसके बीज भी बड़े हैं, वही सेम तरीका, याली साइड नीचे गई, थोड़े थोड़े फासले पे। ये जी, और ऊपर से कोको बिट लगा दी मैंने। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है ये। फिर पानी दिया,
ठीक है ये आ जाए। चलिए खीरा ये असल में थोड़े जल्दी लगाने चाहिए थे, आज 1 मार्च हो गई है, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि सीज़न गर्मियों का बड़ा लंबा होता है, इसलिए ये मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। ये आराम से हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी ज़्यादा है ये, आरिश ये हमारे छोटे साहब जो हैं ये हमें बहुत तंग करते रहते हैं, ये भी यहाँ मौजूद हैं इस टाइम। ये आके खड़े हो गए मेरे साथ, ये खड़े हो गए आके और ये कहते हैं कि मुझे भी सीडलिंग करनी है। अच्छी मैंने इसको ऊपर कर दिए, ये पानी दिया, और ये आखिर में लौकी। इसको मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, ये देखें अंदर कर रहा हूँ बीच। हाँ ये देखें ये नीचे जाएगा नोक वाला हिस्सा, ठीक है चला हो गया। अगर ऐसे भी चला जाए तो कोई मसला नहीं है। ये मैंने क्योंकि गमला छोटा है इसलिए ज़्यादा बीज नहीं लगा रहा मैं, तकरीबन 10-12 लगा दिए हैं, ये भी काफ़ी होंगे, बल्कि मेरे लिए तो मेरे लिए मेरे दोस्तों को भी काम आएंगे ये। ये लीजिए ये आखिर में खरबूजा, ऐसे रख रहा हूँ मैं। ईशा की अजान हो रही है यहाँ पर इस वक्त कराची में, बस काफ़ी है मेरा ख्याल, ठीक ठाक डाल दिए मैंने। ये हो गई
अब इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो है, जब ये निकलने लगेंगे बीज, पौधे आएंगे बाहर, इसमें से बीजों से फिर बनाएंगे हम। अच्छा जी, ये सब लग गए। अब आखिर में अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए ताकि आपके पास नई वीडियो मिल सके आपको। अल्लाह हाफिज़। जी।